आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में कालका से पिंजौर तक 12 अगस्त को कांग्रेस पार्टी पैदल गौरव यात्रा शुरू करेगी। मीटिंग में लिया फैसला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग कालका शहर के एक निजी होटल में कालका विधायक प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित की गई थी। मीटिंग में नगर परिषद कालका पिंजौर के चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों के अलावा चुनाव जीत चुके पार्षदों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें मंच पर बिठाया गया था। मीटिंग में कालका पिंजौर और गाँव से भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की टीम पहुंची हुई थी। यहां पर कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री एवं प्रदेश महासचिव पवन कुमारी शर्मा, हर्ष कुमार चड्डा, अश्विनी कुमार चूना, उजाला बख्शी, गुरबाग सिंह धमाला, सीमा देवी, योगेंद्र ठाकुर, सचिन शर्मा, रघुवीर सिंह सोढ़ी, गुरविंदर सिंह चौधरी, कुलविंदर सिंह शंटी, कृष्णा शर्मा, गफूर मोहम्मद, नरेश मान, हरभजन सिंह, चंचल शर्मा, आनंद शर्मा, सतीश भट्ट, रघुवंश मल्होत्रा, राजेश बेनीवाल, सुशील कुमार गर्ग, सुचा सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। मीटिंग में मंच का संचालन कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंगला ने किया था। यहां पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने नगर परिषद कालका पिंजौर के चुनाव जीत चुके पार्षदों और अन्य उम्मीदवारों को फूल देकर सम्मानित किया। कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि चुनाव में इन उम्मीदवारों की अहम भागीदारी रही थी। मीटिंग में बिजली और पानी के मुद्दों के अलावा शहर कालका पिंजौर में आवारा पशुओं को पकड़ने, स्ट्रीट लाइटें न लगवाने, कालका पिंजौर की टूट चुकी मेन रोड सड़क के मार्ग के अलावा, गाँव की जर्जर हालत हो चुकी सड़क के अलावा आरओबी आरयूबी का मुद्दा मीटिंग में हावी रहा। मीटिंग में कहा गया कि कालका पिंजौर नगर परिषद एरिया में भाजपा पार्टी के कार्यकर्तागण अपने अपने एरिया में फॉगिंग करवाने का श्रेय ले रहे हैं, जबकि कालका पिंजौर के अन्य जगहों पर फॉगिंग नहीं करवाई जा रही है। पिंजौर और कालका एरिया के लोगों और पार्षदों में भी भारी रोष है, क्योंकि दोनों शहरों में डेंगू का प्रकोप है और भेदभाव की रणनीति अपनाते हुए भाजपा नेताओं द्वारा शहर में खास खास जगहों पर फॉगिंग करवाने के आरोप जड़े गए। मीटिंग में स्ट्रीट लाइटों के टेंडर हो रहे घपलेबाजी करने के भी आरोप भाजपा पार्टी पर लगाए गए थे। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी से जीत चुके पार्षदों ने भी आरोप लगाया कि नगर परिषद विभाग के अधिकारीगण उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही उनकी समस्या सुन रहे हैं और ना ही चुनाव जीतने के बाद कोई भी नगर परिषद विभाग की मीटिंग की गई है, जिस कारण पार्षदों ने अपना अपना गुस्सा मीटिंग में जाहिर किया। जो आज़ादी गौरव यात्रा है हमारी, जो 75 साल पूरे हमारे देश को याद हुए, उसमें हमारे उस गौरव यात्रा जो निकालने जा रहे हैं हम, उस सिलसिले में पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 75 किलोमीटर पैदल चलने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उस सिलसिले में हमारी आज जहां हमारे जो नवनिर्वाचित पार्षद थे और जो चुनाव लड़े, चाहे लड़े हारे जीते, सभी हमने यहां इकट्ठे करके उनका हमने स्वागत किया और पार्टी के जो अगले आगामी कार्यक्रम हैं, जो भी आने वाले समय में हमारे रहे अध्यक्ष राहुल गांधी जी की, चाहे वह कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने वाले उस मार्ग पर 3571 किलोमीटर की यात्रा की बात हो, और चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 75 किलोमीटर यात्रा की बात हो, और चाहे डिस्ट्रिक्ट के आने वाले समय में सम्मेलन की बात हो, चाहे हर विधानसभा क्षेत्र में जो 5-5, 6-6 गांवों का इकट्ठा ही प्रोग्राम करने का कार्यक्रम बनाया गया है, चिंतन शिविर में जो कार्यक्रम बनाए गए उसके बारे में सारे कार्यकर्ताओं से बात की गई, और 12 तारीख को हम सुबह दोपहर को 2 बजे काली माता के मंदिर इकट्ठे हुए और वहाँ से हमारी आज़ादी की जो गौरव यात्रा जो हमारा कार्यक्रम है हम वहाँ से शुरू करके उसके बाद पिंजौर कालका बाजार करते हुए फिर हमारा अगला कार्यक्रम मोरनी का होगा, रैपराणी का होगा। ये सारी बात हमने बैठ के कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया।